धूरी पुलिस ने बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएचओ रमनदीप सिंह बावा ने बताया कि धूरी निवासी गोविंद अरोड़ा ने बीते दिनों एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका अपनी दुकान में खड़ा छोटा हाथी चोरी हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा जांच की गई, जिसमें सपनदीप सिंह, सतपाल सिंह दोनों निवासी धनोला के अलावा कबाड़िये जगरूप सिंह निवासी कोटधुना थाना धनोला को भी गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक पूछताछ में सभी आरोपियों ने कबूला है कि उन्होंने धूरी के अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ग्रोह पांच जने दा सी काबू करन विच सफल होए हैं, जिन्हां विचों जिहड़ा मेन चोर सीगा सारयां दे विच कॉमन सपन दीप सिंह ज्योति, इहनूं असीं काबू कीता है। ते इह जिन्हां नूं गड्डी वेचदे सीगे अगे उह कबाड़िया सीगा जिहड़ा कटदा सीगा सारियां इह गड्डियां, जगरूप सिंह कोटदुने दा, इहनां नूं असीं काबू करके अपनियां 6 गड्डियां ने जिहड़ियां इहनां ने चोरी कीतियां सीगियां उह बरामद करवाइयां ने। सर, इहनां दा पिछोकड़ बैकग्राउंड की है? पिछोकड़ बैकग्राउंड यह पहला फ्रूट का कोई काम करता सीगा, कोई फेरी लाउंदा सीगा ते जां इक कबाड़िया। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਕੀ ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਟਾਕੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੈਲਫ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਰੂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। नाभा को पंजाब का नंबर एक शहर बनाने के लिए इलाका विधायक देवमान की ओर से विशेष मुहिम चलाई गई है, जिसके चलते विधायक की ओर से सारे शहर का दौरा किया गया। इस दौरान गंदगी की समस्या, आवारा पशु और ट्रैफिक की समस्या को जल्द ही हल करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके लिए उन्होंने शहरवासियों को भी अपना सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। अज नाभा शहर के विजिट किया गया, जिदे एस डी एम नाभा प्रेम चंद जी, एस डी एम बिल्कुल दो तीन दिन पहले ही इतने लगे ने जी, और इन्हों बड़ा शौक है इस चीज़ का कि जो शहर के मैं उ सिस्टम किमें चल रहा, उन्होंने किमें अगे जरा ठीक किया जा सकता, जी कोई गड़बड़ है। और नगर कौंसल नाभा के ईओ अपरंपार जी, ये सारी टीम जी, पप्पू पंकज जी, एम सी साहबान, असी सब ने विजिट किया। एक तो जी सर्कुलर रोड है, वह ट्रैफिक की बहुत वड्डी समस्या है, तो वो असी दोनों पासे साफ सफाई करके जिते कोई नीम उ मिट्टी पा के परत पा के कोई लॉक टैल लगे ताकि ट्रैफिक जी है वह होर उतों समूथली चल सके, वो पूरा मुआयना किया जी। और उस तो बाद असी जरा इतों का घोड़िया वाला गुरद्वारा साहब जी नवी सड़क बननी है जी, पत्थर वाली सड़क, वह मुआयना किया। और फिर एस टी पी जिहड़ा जी पानी साफ करन दा जिहड़ा प्लांट नवा चल रहा, वह मुआयना किया। तो ये ही पशु जिहड़ी है जी, पशु मार्केट है इत्थे, डंगरां दी मंडी लगती हुंदी सी बहुत देर पहला, तो बिल्कुल खाली जगह पई है, सरकारी जगह, तो इहनूं किवें इस्तेमाल किया जा सकता, इहदे बारे असीं पूरा घूम के सारी चर्चा की, क्योंकि शहर के चारे पासे रेहड़ियां लगियां हुई ने, जिहदे करके ट्रैफिक बहुत है और बहुत सारे एक्सीडेंट होंदे, कई दी जान भी गई है। काफ़ी सारा गल्लां जिहड़ियां है मैनूं पता लगियां हैगियां वी इत्थे काम करन दी जरूरत है। साडी सारी टीम जिहड़ी हैगी ईओ साहब एंड वख-वख डिपार्टमेंट नूं मैं नाल लै के जिहड़ा है इस मसले नूं जिहड़े कि हल करावांगा, एंड कोशिश करांगा वी जिहड़ा नाभा है ना बहुत ही सुंदर शहर बने। असीं MLA साहब नाल, साढ़े एस डी एम साहब, प्रधान जी, सारे MC साहबान, असी नाभा का दौरा किया जी MLA साहब के नाल, असी एस टी पे भी गए जी, साडा MRF सैट भी देखे एस डी एम साहब वालों, तो असी पशु मंडी भी आए, जिमें भी MLA साहब का हुक्म होगा उस हिसाब नाल असी कम। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा औरतों के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी और कपड़ों पर दिए गए विवादित बयान के बाद नाभा क्षेत्र से विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने भाजपा नेता पर वार करते हुए कहा कि जो महिलाओं पर इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल की गई वो कोई दुश्मन भी नहीं करता, ऐसी शब्दावली इस्तेमाल करना भाजपा नेताओं को शोभा नहीं देता और वे इस विवादित बयान का पूरी तरह से विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, कर्म की
राजनीति करनी चाहिए। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। देखो बीजेपी दे जिहड़े कोई मिस्टर कैलाश ने जी उन्होंने जिहड़ी मैं भी सुनी है वीडियो और उन्होंने कहा जी कि औरतां कपड़े पा के सूप ना कर लगदियां ने भी जी करदा उन्होंने थप्पड़ मारीए ये औरतां प्रति इदां दी शब्दावली इस्तेमाल करनी। बेशक साडे दुश्मन की भी कोई परिवार की कोई औरत हो कोई भैन हो बेशक पास्ट भी हो साडा कोई पर औरतां प्रति इदां दी जिहड़ी है मानसिकता रखनी ये बहुत वड्डा सवाले निशान है बीजेपी वाले लीडर ते कि देखो कित्थे खड़े ने ये सिर्फ धर्म की राजनीति करके देश नूं अगे वधाउणा चाहुंदे आ देश धर्म करके नहीं जी देश कर्म करके अगे वध सकदा जे आपां कर्म नाल जोड़ांगे सारिआं नूं ते इह बहुत मंदभागी गल है जी मैं इहदी निखेती करदा जी। माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मापिंड चौक में श्री शनिदेव महाराज के निमित्त श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम मुख्य यजमान संजीव से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवगृही पूजन, इसके उपरांत ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस सप्ताह श्री शनिदेव महाराज के जाप उपरांत माँ बगलामुखी जी के निमित्त भी माला मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहुतियां डाली गई। इस अवसर पर श्रीकंठ जज राकेश प्रभाकर, प्रिंस कौंडल गौरव कोहली, एडवोकेट राजकुमार सौरभ अरोड़ा, सोनू छाबड़ा, बाबा खन्ना, राजेंद्र कतियाल, रोहित बहल, मानव शर्मा, मोहित बहल, अशोक शर्मा, विक्रम भसीन, गोपाल मालपानी, राघव चड्ढा, समीर कपूर, अश्वनी शर्मा, संजीव शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आरती के उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। जय माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी दे विच महाराणी खुद विराजमान है। महाराणी की अपार कृपा दे नाल हर वीरवार ते शनिवार नूं हवन यज्ञ हुंदा है। महाराणी की अपार कृपा दे नाल 28 तरीक नूं महाराणी की जयंती है। सारे शहर वासियां नूं देश वासियां नूं 28 तरीक महाराणी की जयंती की बहुत बहुत बधाइयां। सारे ही माँ के चरणा जाके महाराणी का आशीर्वाद लो। सारे परिवार अपने लिया के बच्चों नूं धर्म के नाल सनातन धर्म के नाल जोड़ो। अपने बच्चों नूं शिक्षा दिओ कि धर्म के नाल चलना बहुत ही वड्डी गल है। अपने धर्म की जय जयकार करो। 28 तरीक नूं सारे हुमा मा के पहुँच के महाराणी का आशीर्वाद लो। जय माँ बगलामुखी, जय शनिदेव महाराज की। अज शनि महाराज जी का हवन यज्ञ होया, सारे बहुत बहुत बधाइया। सारे ने आहुतियां पा के आशीर्वाद लिया। जयकारा शनिदेव महाराज जी का। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर द्वारा आयोजित श्री राम कथा अमृत के दूसरे दिन संस्थान के संचालक एवं संस्थापक आशुतोष महाराज जी की शिष्या मानस मर्मज्ञा साध्वी जयंती भारती ने बताया कि श्री रामचरित मानस के सातों कांड प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस अवसर पर कथा का श्रवण करने SC/ST कमीशन के राष्ट्रीय चेयरमैन विजय सांपला, भाजपा नेता रॉबिन सांपला, जसपाल ठाकुर, कुलदीप सिंह ओब्रॉय, पूर्व डिप्टी मेयर अरविंदर कौर ओब्रॉय विशेष तौर पर मौजूद रहे। कथा की समाप्ति प्रभु की आरती से की गई। कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित भगवत प्रेमी इन आध्यात्मिक रहस्यों को श्रवण कर आश्चर्य से भर उठे। इस अवसर पर सुरेंद्र कौर, जगबीर बराड़, कमलजीत सिंह भाटिया, हर्ष सोंधी, अमित तलवार, राजीव दुग्गल, खेलचंद, दिनेश शर्मा, जगदीप सिंह, अशोक मल्होत्रा, लखबीर सिंह, ओंकार सिंह टिक्का, अरुण हांडा, रोहित हांडा, राकेश शर्मा, मनोज नन्ना, संजीव शर्मा, रोहित अरोड़ा, हेमंत शर्मा, अमृत गिल, डॉक्टर परीना, मेघना कौशल सहित असंख्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कथा में बढ़ चढ़ कर हाजिरी भरी।
जीवन की व्यस्तता एवं भाग दौड़ के पश्चात प्रभु के सानिध्य की पूर्ण प्राप्ति एवं दिव्य स्मरण हेतु उपस्थित आए हुए समस्त प्रभु भक्तों का प्रभु श्री राम की पावन कथा के इस चतुर्थ दिवस में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता है। सुस्वागतम। प्रभु श्री राम की पवित्र पुनीत कथा जिसका आनंद पिछले दिन दिवस से आप ले रहे हैं, आज चतुर्थ अस्थाई का है। किस तरह असीम अजन्मा जन्म के बंधन में बंधकर भक्तों के उद्धार के लिए, उनके नेत्रों को धन्य करने के लिए धराधाम पर अनंत बाल लीलाएं करते हुए अपने भक्तों को आध्यात्मिक प्रेरणाएं देते हैं। हमने ये सब कथा के माध्यम से पिछले दिनों में इस प्रसंग को जाना। कहते हैं प्रभु श्री राम जी के लिए भक्त एक उपाधि देते हैं, रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुकुल में जन्म लिया है इसलिए वो रघुपति है, अर्थात अपनी कुल के स्वामी है। माँ प्रेम से राघव कहती है, पर राजा, राजा तो वो है ही। महाराज दशरथ के प्रथम पुत्र है इसलिए वो उस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी है। सभी को जय श्री राम। परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्तले श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभी कमेटी मेम्बरान के सहयोग एवं सभी भक्तों के सुप्रयासों से आपके इस क्षेत्र में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा 5 दिवसीय कथा यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। प्रभु श्री राम कथा का आज चतुर्थ दिवस है। राम जो सृष्टि का आधार है, जीवन का सार है। कहते हैं कि आधार के बिना जैसे कोई वस्तु टिक नहीं सकती, ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी उस प्रभु श्री राम के बिना आधार विहीन है। तभी आज मानव समाज जो है वो पतन की कगार में गिर रहा है। अगर समाज का उत्थान चाहते हैं, अगर मानव को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो जिस तरह राम राज्य बाहर स्थापित हुआ, इसी तरह राम राज्य हर मानव के अंतर्घट में जब स्थापित हो जाएगा, तभी ये समाज सुंदर श्रेष्ठ बन पाएगा।
और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपके इस क्षेत्र में प्रभु श्री राम जी की कथा को लेकर पहुंचा है इस संदेश के साथ कि आप अपने अंतर्घट में प्रभु श्री राम के तत्व को प्रकट करवाएं, अपने जीवन को राम राज्य तुल्य बनवाएं। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मथुरा नगर सोढ़ल रोड जालंधर में 36वां वार्षिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में बड़ी धूमधाम से किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक अमृत लता दास देवाजी महाराज दीनानगर वालों ने सभी भक्तों को प्रभु की लीलाओं को दर्शाती कथाओं को सुनाकर मंत्रमुग्ध किया। इस कथा की अध्यक्षता करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मथुरा नगर सोढ़ल रोड जालंधर के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत सिया शरण दास जी महाराज ने बताया कि ये कथा 9 अप्रैल तक रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जिसमें सभी परिवार सहित पहुंचकर इस कथा में हिस्सा लें और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। भगवान का पहला विवाह हुआ है देवी की रुक्मिणी जी के साथ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसी मोको नाम विदर्भ वाली कथिर की महान तत्से पंचभुवन पुत्र करने एक एकांच बनाना। विदर्भ की रामारी विदर्भ देश का नाम है भीष्म। पांच देह हर एक कन्या है, पांच रुक्म युगपत रुक्म वाहन रुक्म केश और रुक्म मान। ये बड़ी बहन बेटी है रुक्मणी। फिरोजपुर छावनी के नन्ना मंदिर में हनुमान जयंती महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में माथा टेक कर बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भजन गायकों ने प्रभु भजनों द्वारा संगत को निहाल किया। मंदिर कमेटी के प्रधान हरीश गोयल और अरुण छारिया ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी बालाजी हनुमान जी का जन्म महोत्सव बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाया गया। इस अवसर पर इलाके की संगत और मंदिर कमेटी द्वारा सुबह से लेकर रात तक कीर्तन एवं भजनों द्वारा बालाजी का गुणगान किया गया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। जिला फरीदकोट के एसएसपी हरजीत सिंह की ओर से जिले में समाज विरोधी अंसरों के खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिसके चलते फरीदकोट जिले की पुलिस को बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ और ड्रग मनी समेत दोषियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है।
इस संबंधी जानकारी देते हुए फरीदकोट के एसएसपी हरजीत सिंह आईपीएस ने बताया कि पुलिस ने 1 मार्च से लेकर अब तक 12 मुकदमे दर्ज कर 21 दोषियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 पिस्टल, 2 किलो 300 ग्राम अफीम, 1400 नशीली गोलियां, 381 ग्राम हेरोइन, 2,25,000 रुपए की ड्रग मनी, 4 गाड़ियां, 1 मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए दोषियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिससे बड़े खुलासे होने की संभावना है। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। 2.5 लाख के करीब जिहड़ा हैगा ड्रग मनी सानू रिकवर हुई और 50 ग्राम के करीब हीरोइन रिकवर हुई। इस तो इलावा जिहड़े साडे सीक्रेट ऑपरेशन ने उहदे तहत मार्च महीने दे विच ते हुण वी जिहड़ा हैगा साडे वल्लों नशियां दे खिलाफ जिहड़ा हैगा लगातार काम किया जा रहा। सिटी थाणा कोटपुरा की टीम वालों 260 ग्राम हीरोइन इन्होंने सुखदीप सिंह नाम का जिहड़ा दोषी है उस तो मिति 6 अप्रैल नूं जिहड़ा हैगा उह तो बरामद की गई। सुखदीप सिंह जिहड़ा हैगा फिरोजपुर जिले का रहण वाला और इस तो इलावा जिहड़ा DSP कोटकपुरा और SHO सिटी कोटकपुरा ने नाके दौरान एक चैकिंग के दौरान जिहड़ा हैगा 2 व्यक्तियों पासों 25 ग्राम हीरोइन भी बरामद की, जो कि 4 दिन पहले ही इन्होंने मुकदमा दर्ज किया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। संगरूर के गांव नमोल में नकली शराब पीने से 3 मजदूरों की हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। जंडियाला गुरु देहात पुलिस ने स्क्रैप विक्रेता से हुई लूट के मामले को सुलझाया, 3 आरोपियों को किया काबू। अमृतसर पुलिस ने बसंत एवेन्यू में महिला के साथ हुई लूट की वारदात को सुलझाया, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती है और ताजा जानकारी के लिए देखते रहें हलचल।